हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, आपको एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप कोई मूवी देख रहे हो या फिर आप कोई वीडियोस देख रहे हो या फिर आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो आपके सिस्टम के अंदर या फिर आपको कोई गेम आप खेल रहे हो, तो क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो स्लीप मोड में चला जाता है, हाइबरनेट मोड में चला जाता है, आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या कौन से सेटिंग्स करना है, हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज मैं लेके आता रहता हूँ, चाहे वो डेस्कटॉप से रिलेटेड हो, लैपटॉप से रिलेटेड हो, या फिर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर आपको हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये स्टार्ट बटन है यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक रन बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल टाइप करना है, CONTROL, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको एक ऑप्शन मिल रहा है पावर ऑप्शन, यहाँ पर आपको उस पर जस्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये यह आपको सेकेंड का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, इधर आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपका सिस्टम है वो डिस्प्ले है वो 10 मिनट्स के बाद अपने आप बंद हो जाता है। तो आपको इसको क्या करना है, नेवर करना है, यहाँ पर नेवर सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका बैटरी प्लग इन है तो यहाँ पर भी आप उसको नेवर कर लेना है, ठीक है, करेंगे सेटिंग को। और वापस से हम लोग इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पर वापस से क्लिक करेंगे। और जो ये आपका बैटरी है, ये यहाँ पर क्या बोला है, ये हार्ड डिस्क के लिए, ये भी आपको एक सेटिंग करना है। यहाँ पर क्या बोला है कि इसने, अगर आपका बैटरी पर चल रहा है तो आपका 10 मिनट्स के बाद वो ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 0 सेलेक्ट कर लेना है। या फिर आप इसको पैक करोगे तो यहाँ पर आपका नेवर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपको नेवर सेलेक्ट कर लेना है, 0 पर लाना इसको। देखिए यहाँ पर ये नेवर सेलेक्ट हो गया है और ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नेवर सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको एक स्लिप का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर लेना है और इस पर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर आपको इनेबल मिले यहाँ पर ऐसे, तो उसको आपको क्या करना है, डिसेबल कर देना है, ओके। और यहाँ पर भी आपको उसको डिसेबल कर देना है और उसके बाद इसको अप्लाई कर देना। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि आपको आपका सिस्टम का जो स्लिप मोड में जाता है उसको कैसे ठीक करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर प्लीज। थैंक यू सो मच।